भाई को धमकी दे रहा है यार, ही विल डाई सून, और ये चीज सुन के मेरे को बहुत बुरी लगती है। प्रोग्राम रखना चाह रहा हूँ सर, तो इन्होंने खुद से बोला कि जरूर आऊंगा मैं भी। मैंने एक छोटा सा पूछा, हेलो गाइस, मेरा नाम है नुमैट। तो आज हम बात करने वाले एलिस भाई के उस मीटअप के बारे में जिसमें वो बोलते हैं कि उनको मीटअप के लिए परमिशन ही नहीं मिल रही थी, पर हरियाणा के सीएम ने उनकी बहुत मदद की परमिशन लेने में। दिक्कत थी परमिशन की कि मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी, वो भी इन्होंने एक बार कहने पे मुझे परमिशन दिलाई, तो सर मैं उसका बहुत आभारी हूँ। तो इसी के बाद बात करते हैं अननोन पर्सन के बारे में जो एलिस भाई को खुलेआम डेथ थ्रेट दे रहा है, बैड डैडी करके ऊपर बैठा है यार। ये कह रहा है, भाई को धमकी दे रहा है यार, ही विल डाई सून, और ये चीज सुन के मेरे को बहुत बुरी लगती है जो किसी के मरने की बात कर देता है ना यार। हमने कभी नहीं कहा कि फुकरा को कभी तबीयत खराब थी, शुभम भाई को फुकरा नहीं पसंद था तब भी उन्होंने उसके लिए ट्वीट डाला, मेरे को नहीं पसंद था तब भी हमने कहा कि यार उसकी हेल्थ ठीक रहे, लोगों ने सबने उसकी हेल्थ के लिए अच्छा कहा। अभी इस वीडियो से आप लोगों को पता चल गया होगा कि एलिस भाई के जान को कितना खतरा है। तो चलो इसके बाद बात करते हैं न्यूज बॉय के बारे में। तो न्यूज बॉय पे देखो देखो चैनल के ओनर, अब वो ओनर है क्या है पता नहीं, पर उन्होंने एक वीडियो जारी किया। अब वो उस वीडियो में न्यूज बॉय के बारे में क्या बोलते हैं आप लोग खुद ही देख लो। हर रात को भाई देसी ठर्रा पी के आ जाते हैं, स्पेस बना देते हैं, स्पेस बना के चार लोगों को लड़वा देते हैं, कॉन्टेंट मेरा, न्यूज मेरी, मैं ही अपलोड करूंगा, मैं ही लड़ाई कराऊंगा, मैं ही आग लगाऊंगा। तो चलो इसके बाद बात करते हैं रैंडम सेना का। रिसेंटली रैंडम सेना ने उस अमेजोन प्रोडक्ट को ड्रॉप करवा दिया जो हमारी काली माँ का फोटो गलत तरीके शो कर रहा था। तो इस अच्छे काम के लिए मैं रैंडम सेना को थैंक यू बोलना चाहूंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक लाइक मार के जरूर जाना।